135 और 225, ये दो संख्याएं हैं, इनका आपको HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 135 225 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 135 से 225 में भाग करना है। अब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन दोनों में। तो क्या करना है, सिर्फ आपको भाग करना है। 135 से हम भाग करेंगे 225 में, 135 एकम 135, यहाँ आ गया 0, 12, 12 में से 3 गए 9, भागफल आया 1 और शेषफल आया 90। तब तक आपको ये प्रक्रिया करते रहने जब तक शेषफल आपका 0 ना हो जाए। अब इन दोनों में वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, यानी कि अब 90 हो जाएगा भाजक और 135 हो जाएगा भाज्य। 90 एकम 90, 5 और यहाँ से 9 4 13 यानी 45। अभी भी शेषफल कितना आया, 45 आया। इसका मतलब अभी एक बार फिर से हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब 45 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, 45 से 90 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 45 दुन्ना 90। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल आ गया 0। यहाँ तक आपको ये काम करना है, तब तक करते रहना जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल बराबर 0, और इस स्थिति में जब शेषफल 0 आया है, इस स्थिति में भाजक क्या है, यही तो है। जब शेषफल 0 आया उस स्थिति में विभाजक क्या है, 45। तो जब शेषफल 0 आए उस स्थिति में जो भाजक होता है वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है। इस स्थिति में भाजक कितना है, 45 है, अतः HCF किनका, 135 और 225 का कितना आएगा, 45। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई, शेषफल आ जाए 0 उस स्थिति में जो भाजक होगा वही उन दोनों संख्याओं का HCF होगा।